टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में। राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट मोदी के ब्लाउज नुमा कुर्ते पर भारी पड़ रही है। युवाओं को भी समझ में आ गया है कि वो पढ़ लिख कर कब तक मंदिरों में घंटा बजाते रहेंगे। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। भारत के राजनीतिक इतिहास में वोट बैंक की इतनी बड़ी डकैती आपने कभी नहीं देखी होगी जो आगे आप देखने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम दलित या आदिवासी वोट बैंक की बात कर रहे हैं या सवर्ण वोट बैंक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 3 सालों में देश के भीतर एक ऐसा वोट बैंक तैयार हुआ जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, और वो है युवाओं का वोट बैंक। आज के वीडियो में हम इसी वोट बैंक की बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस वोट बैंक पर कौन सी पार्टी डाका डाल रही है। उससे पहले यह समझ लीजिए कि इस समय देश में 35 साल से कम उम्र के वोटरों की संख्या 65% से ज़्यादा है। ऐसा हम नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं। देश में 19% युवा ऐसे हैं जिनका बतौर वोटर अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने में रुचि नहीं दिखाई। तो मोटा मोटा हिसाब आप मान लीजिए कि देश में 65% से ज़्यादा युवा वोटर्स हो चुके हैं। इसमें सभी वर्गों के युवा शामिल हैं। इन युवाओं का रुझान जिस तरफ होगा, सरकार उसी हिसाब से बनेगी। जरा सोचिए, एंड्रॉयड एज के युवाओं की पहली प्राथमिकता क्या है? जाहिर है अच्छा रोजगार, या कहिए कि रोजगार के बेहतर मौके जिसके लिए वो कोशिश कर सकें। रोजगार के मामले में मंदिर मस्जिद वाली बीजेपी सरकार की हालत आपको पता है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले मोदी इन दिनों मुंह छुपाए घूम रहे हैं। मंदिर से कब तक वोटरों को लुभाया जा सकता है? जितना हो सकता था हो चुका। अब युवा मंदिर में घंटा बजाने के लिए राजी नहीं है। एंड्रॉयड में वो देख रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां जा रही है, इसलिए ज़्यादा दिनों तक उन्हें मूर्ख बनाए रखना आसान नहीं है। इस समय देश का विपक्ष रोजगार और कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों पर काफ़ी मुखर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये 3 सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। यूं तो राहुल 54 साल के अधेड़ हैं, लेकिन उनकी हरकतें युवाओं से कम नहीं है। ऐसा सिर्फ हमें नहीं दिखता, बल्कि कभी राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी को भी दिख रहा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में स्मृति ने राहुल गांधी की तारीफ करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच राहुल का क्रेज बढ़ रहा है और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है, तो इफ यू नोटिस कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। आवाम ने जब स्मृति को सुना तो सवाल उठने लगे कि क्या स्मृति ईरानी का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या वो राहुल गांधी की फैन बन गई हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। स्मृति ईरानी असल में राहुल की तारीफ करके पीएम नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर रही थी। अब देखिए, स्मृति राहुल की टी शर्ट पर टिप्पणी कर रही है। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने का उनका मकसद पीएम मोदी को ये बताना है कि उनका ब्लाउज नुमा कुर्ता अब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने युवाओं का जिक्र भी किया। वो पीएम मोदी को ये बताना चाह रही हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं और युवाओं में आपके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण दिनों दिन कम होता जा रहा है। स्मृति भले ही एक तीर से कई निशाने साध रही हों, लेकिन उनकी बातें काफ़ी हद तक सही हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट अब युवाओं के लिए आकर्षण है।
आजकल उनका कराटे वाला वीडियो भी काफी वायरल है, जिसमें वो बच्चों को ब्लैक बेल्ट की हैसियत से टिप्स दे रहे हैं। तो जाहिर है राहुल के स्टाइल से युवा वर्ग उनकी तरफ ज्यादा दिख रहा है। हालांकि मोदी भी एक बार जिम पहुंचे थे, लेकिन कसरत करते हुए उनका वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनका मजाक उड़ गया, जिसके बाद वो दोबारा कसरत करते हुए कभी दिखाई नहीं दिए। यह भी ध्यान दीजिए कि इस बार संसद में कई युवा चेहरे चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, मतलब संसद की सूरत भी जवान है। दिख भी रहा है कि बूढ़े हो चुके मोदी किस तरह रोज पलटी मार रहे हैं। वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लेटरल एंट्री जैसे मामलों में बीजेपी का बुढ़ापा आपने हाल में देखा है। हद तो तब हो गई जब मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पहुंच गए, मतलब अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुद ही खोल आए। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। आजकल उनके पाले हुए गोदी एंकर्स खुद उन्हें काका बुलाने लगे। बुढ़ापे का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। इसके बाद हम आपको मोदी काका और राहुल भैया का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जनता से संवाद करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के स्टाइल में क्या अंतर है। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला धराशायी किया, उससे उनकी लोकप्रियता नए मुकाम पर है। जो युवा कभी मंदिर मस्जिद में खुश थे, वो अब रोजगार की मांग करने लगे हैं। ये देश में सबसे बड़ा बदलाव है। कहने का मतलब ये है कि युवाओं का रुख तेजी से बदल रहा है। देश का युवा अपना युवा नेता खोज रहा है। पीएम मोदी के भीतर ना अब युवाओं को भविष्य दिख रहा है और ना ही बीजेपी को अपना भविष्य दिख रहा है। वो एक तरह से बीजेपी पर बोझ बन चुके हैं और पार्टी की मजबूरी है कि उन्हें ढोए जा रही है। ऐसे में युवाओं के 65% वोट जिधर जाएंगे, देश पर वही शासन करेगा। फिलहाल राहुल गांधी सबसे बड़े दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।